सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज मैं एकदम टाइम पर थी दोस्तों, मतलब 8 बजे की शिफ्ट थी तो मैं एकदम 8 बजे ऑफिस में थी, पर आज मेरा शो नहीं जा रहा है। आज एक घंटे का मिला है मुझे रिलैक्स। और ये देखिए हमारे उज़ैर सर सुबह सुबह आ गए, इवनिंग से ये भी हो गए मॉर्निंग में शिफ्ट। हाँ क्या क्या क्या, चलिए खूब सैर करिए, मेरा नाम है। अच्छा ये अंकित, ओ ये भी अच्छा है, मत रखिए किसी से बैन, मेरा नाम है उज़ैर। वाह सब क्रिएटिव लोग हैं भाई, प्रोड्यूसर जो है मेरा नाम है, ना हो ये भ्रमित, मेरा नाम है अंकित। शंकित मेरा नाम है अंकित। वेरी नाइस, ये उज़ैर सर का ये चौका। ये देखिए नाइट के प्राणी दिन में आ गए हैं। नहीं नहीं ये नाइट का प्राणी वापस आया है ना दोबारा से। तू ये पीले रंग के कपड़े क्यों पहन कर आया है? क्योंकि आज है गुरुवार। चक्कर आ रहे मुझे गुरुवार के दिन, गुरुवार के दिन सारे जो तुमसे खफा हो जाएंगे। मेरे से वैसे ही खफा चल रहे हैं यार, मैंने बागेश्वर सरकार की एक बात पे ऑब्जेक्शन जगा दिया। अच्छा, तुम लोगों को इतना मतलब गालियां पड़ रही, लिटरली पता क्या लोग कमेंट कर रहे हैं कि इनकी शादी हो चुकी है, बच्चा भी है, फिर भी इनको मजे कर रहे हैं ना, इसलिए ये नहीं बता रहे। ऐसी भद्दी की भाषा नहीं प्रयोग करनी नहीं। दूसरी बात, मुझे ऐसे कुपोषित लोगों की मानसिकता का समझ में नहीं आता भाई। तुझे पता है मेरा बच्चा है, मेरा पति है, तुझे कैसे पता चला? अगर मैंने नहीं बताया तो तुझे कैसे पता चला? तो कसम से ऐसे गधे लोग होते हैं जिनकी बुद्धि थोड़ी सी कम होती है। अच्छे समाज का जो है परिचय देना। और हाँ मतलब आप मुझे सनातन सिखा रहे हो, सनातन में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, और आप महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं, उसको अपमानित कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, ये आपकी दोहरी जो मानसिकता है ना, कुपोषित मानसिकता, दोहरे मापदंड जो है आपके, मैं करेक्ट कर रही हूँ, स्लो फ्लो में थोड़ा सा गलत हो गया, तो उसको ठीक कीजिए दोस्तों। पलक सिर्फ नौटंकी कर रही है दोस्तों, मैं सच्ची बता रही हूँ, ये स्क्रिप्ट लेके बैठी जिसका वीओ नहीं कर रही, और ये वॉइस ओवर बॉलीवुड का है। साक्षी को ये बोल रही थी कि तुम्हारा जो है तुम ही करो अपना वॉइस ओवर। दोस्तों इट्स टाइम फॉर द डिबेट, और हम पहुंच चुके हैं स्टूडियो में। स्टूडियो में लोग कर रहे हैं तैयारियां, और शिखा कर रही है अपना शो। तबीयत कैसे तुम्हारी शिखा? शिखा हाउ आर यू? तो भाई शिखा का था 12 बजे का शो, अभी लोग लाइटिंग चेंज कर रहे हैं और सेटअप लगा रहे हैं फॉर 1 PM। उत्तम नींद में है, कल उत्तम का बर्थडे था, वो हमसे मिस हो गया दोस्तों। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे उत्तम। थैंक यू। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे उत्तम। ये देखो ये अभी आ गई। अब वो दिन नहीं है दूर, लंदन से लाएंगे कोहिनूर। वाह हाँ जी, पाकिस्तान वालों नहीं है दूर, लंदन से लाएंगे कोहिनूर। बहुत बढ़िया। अभिषेक देखो भाई लगा हुआ बेचारा, ठक 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 ठक। जब लंदन से लाएंगे कोहिनूर, तो दोस्तों देश के लिए कोहिनूर वापस आने वाला है, हम फिर से अपने मुकुट में सजाएंगे भारत के मुकुट पर। ये पाकिस्तान एक्सपर्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर भाई, पाकिस्तान की कोई भी खबर होती है तो हम इनको संपर्क करते हैं सीधे तौर पर। पाकिस्तान की बदहाली, पाकिस्तान की बदहाली पर पाकिस्तान भी क्या आंसू बहाता होगा। मेरे ब्लॉग देखते हैं आप? देखते हैं मेरे ब्लॉग सच्ची में? तो बताओ चलो कल के ब्लॉग में क्या था? कल का नहीं देखा, परसों के में बताओ। अपने वाले देखे। तो मतलब सबको, मतलब ब्लॉग के व्यूज बढ़ाने के लिए पहले मतलब सबको लिया जाए ताकि वो उतने लोग कम से कम देखे, ऑफिस के लोगों को लिया जाए, फिर ऑफिस के लोगों के जानने वाले जो होते हैं लोग उनको देखते हैं। मेरे पास लिंक भेजा था मेरे एक दोस्त ने, तब मुझे लगा आप कितनी पॉपुलर है, जबकि वो भारत 24 को पहले नहीं जानता था, आपके ब्लॉग के बाद जानना शुरू किया। सही बात है, मेरे पास आया था, उसको कॉल आया था, उसने कहा कि आप इसी चैनल में, मैंने कहा इसी में हूँ, बोले कि ये आपकी फोटो, मैंने कहा हाँ देख लो मेरी फोटो है। तो मतलब फायदा हो रहा है ऐसे कि टीवी पर नहीं आते, कम से कम पर्दे के पीछे जो लोग मेहनत करते हैं बेसिकली, कम से कम लोग मुझे देख तो रहे हैं कि मैं हूँ, मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो ये भाई अच्छी बात होती है, क्या होता है ना देखो, जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं ना तो आपका सब, आपसे सबका सवाल क्या होता है, टीवी पर आते हो तो हमारे जो प्रोड्यूसर हमारे शो के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, जिनकी मेहनत हम बोल रहे होते हैं, तो वो सबको पता नहीं चलती। हाँ तुम भी अपनी स्टोरी बताओ जरा, क्या तुम्हारी स्टोरी है? खड़ा होना पड़ेगा देखो। एक्चुअली मैं जहाँ से हूँ वहाँ पे एक फाउंडेशन है, उपज फाउंडेशन,
तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था ये पूजा यादव की वीडियो में तुम ही हो ना, तो मैं पूजा यादव जो है एक जर्नलिस्ट है भारत 24 में काम करती हैं, जबकि उनसे मेरी इस पे कोई बातचीत नहीं, कभी मैंने कुछ नहीं बताया ना, तुम तो खुद मेरा नाम नहीं याद कर पा रही हो ना, मैंने आज तक आपके साथ एक भी फोटो डाली अपनी, तो इट्स लाइक कि इट्स गुड फॉर यू, इट्स गुड फॉर यू एज वेल। तो मुझे देखो इतनी दूर से फोन आया, सो देखिए ऑब्वियसली देखिए हमारे साथ हमारे एक और प्रोड्यूसर साहब कड़ी मशक्कत के साथ में हमारा शो तैयार कर रहे हैं। कौन से कितने बजे का शो बना रहे हैं? वेब सीरीज बना रहे हैं। अच्छा, सीमा हैदर और अंजू को लेके। कब आएगी? बहुत सारे क्लासेस संडे दोपहर को। दोपहर को संडे, वैसे तो मेरा स्लॉट होता है लेकिन उनकी वेब सीरीज चलती है उस पे, एक से दो में जरूर देखना है भाई। इस बार की जो इस बार क्या मुझे लगता है सारी वेब सीरीज आप ही बना रहे हैं, तो हर संडे को वेब सीरीज जाती है और उस वेब सीरीज जो प्रोड्यूसर है वो हमारे ये सर है, ठीक है। इनका नाम भी कितना खूबसूरत है, जान रहे हैं कृष्णा। हाँ, एक और प्रोड्यूसर से आपको मिलाते हैं भाई। तुम्हारा नाम क्या है? शैलेंद्र। तुम तो वैसे भी इतने शालीन हो यार। तो शैलेंद्र कौन सा शो बना रहे हो तुम? मैं बना रहा हूँ 4:30 बजे का वॉर स्पेशल। वॉर स्पेशल शाम की 4:30 बजे वॉर स्पेशल देखेंगे, तो हमारे शैलेंद्र जी को भाई जरूर याद रखना। और अब मैं क्या बोलूँ यार, मैं बोलूँगी तो बोलेगा कि नहीं ये सबको नहीं, स्कीम सबको नहीं बताने का। ये आज तुमने मेरे 1 बजे का बनाया ना, तो जो मेरे 1 बजे में जितनी भी चीज़ें, यार ऐसे हो ना सीधा, तो जो मेरे 1 बजे में जो भी आप चीज़ें ग्राफिक्स जो भी चीज़ें देख रहे थे ना, वो आप इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। तो भाई थैंक यू सो मच हमारे शो को इतना खूबसूरती से सजाने के लिए। अगर ये लोग ना हो तो सच्चे में हमारे शोज उतने परफेक्टली ना जा पाए, तो हमारे सभी प्रोड्यूसर्स को थैंक यू सो मच। भाई अभिषेक है हमारे रनडाउन प्रोड्यूसर, मतलब जो भी बड़ी खबर ब्रेकिंग व्हाटएवर जो भी आप स्क्रीन पर तब उस वक्त पे देख रहे होते हैं, तो वो इनकी जिम्मेदारी होती है उस वक्त पे। अगर एक भी गलती चलेगी तो तुम्हारी क्लास भी लगेगी और अच्छा काम होगा, तुम्हारी ताली भी बजेगी। क्लास लगनी छूट जाएगी, अभी फिर से फोन आ रहा है क्लास लगने के लिए। देखिए देख रहे हो भाई कैसे क्लास लगती है, देख रहे हो भाई क्या हुआ 5 बजे के लिए क्या हुआ। ओ आज मेरा शो है 5 बजे जनता की आवाज, और हमारे सलील जी हैं, इनसे मिलिए मुलाकात करिए। हमारे आज शो के प्रोड्यूसर 5 बजे के ये हैं सलील। सलील मैंने भी कुछ लाइन लिखी है, सर का आदेश था कि तुम भी कुछ सवाल लिखोगी, तो तुम्हारे में ही 2-4 मैंने भी जोड़ दिए हैं। आपने देखा सलील तो ठीक है ना, तो 2-4 मैंने भी जोड़ दिए उसमें, तो उस हिसाब से अब तुम देख लेना। और धन्यवाद यार हमारे शो को इतना खूबसूरती से सजाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की बदौलत ही हमारे शो TRP में आते हैं, तो उसके लिए आपके सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। हाँ आप लोगों थ्रू हम लोगों की पहचान मिलती है, तो देखो भाई इन सबका सच में शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखो बैठ के अब मैं अपनी UPL लैंग्वेज में बोलूँ, दांत फाड़ रहे हैं बैठ के। देखो मैं यूपी में पैदा नहीं हुई हूँ, लेकिन फिर भी ना मेरे घर वाले क्योंकि यूपी से बिलोंग करते हैं, तो मुझ पे वो यूपी की छाप आ ही जाती है। अली जी यार ये खुद भी यूपी से ही है ना। अभी अभी तुम क्या बोल रहे थे, जैसे तुम बोल रहे थे उत्तर प्रदेश मेरी जान है, एक सुंदर जहान है। और ये भी जनता की आवाज़ शो का पूरा सेटअप लोगों को आप देख सकते हैं, सब लोग तैयार थे, हमारे गेस्ट थे, हमारे कैमरामैन, एवरीबॉडी वाज देयर, और बहुत ही धांसू गया शो हमारा। तो आप लोग भी ज़रूर देखिए। सुपर बाय, टेक